नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मोनिका जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, एज ए टीचर ये वर्क करती हैं और आज भी ये डेरा सच्चा सौदा में हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, यहाँ पर माहौल के बारे में, आश्रम में और समाज के सामने ये क्या रखना चाहती हैं, क्या फैक्ट हैं, क्या एक्सपीरियंस है इनका डेरा सच्चा सौदा को लेकर। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। नमस्कार जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या मैम, आप एज ए टीचर आप वेल एजुकेटेड हो, आज भी आप आश्रम में आई हो, क्यों, किस सोच से आई हो? क्योंकि हम तो मस्ताना जी के टाइम से जुड़े हुए हैं, जो भी मिला हमें यहाँ से मिला है, हमने जो भी पाया है यहाँ से बहुत कुछ पाया है, आज तक किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रही है। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बीइंग गर्ल यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, बहनों को बहनों की तरह ही समझा जाता है, बेटियों को बेटियों की तरह ही समझा जाता है। हम तो कब से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं, हमें तो कभी यहाँ कुछ गलत लगा नहीं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम हरिम सिंह जी, इंसा का नेचर कैसा है? बहुत नाइस है, वो समाज के फले में हमेशा काम करते आए हैं और करते रहेंगे और आगे भी आकर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। करेक्टर कैसा है मैम? जहाँ तक हमारी बात है, हम तो जब से आ रहे हैं, हमें तो यहाँ क्या पिताजी का करेक्टर क्या, जिन्होंने उनको शिक्षा दी है उनका करेक्टर भी बहुत अच्छा है। कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों के साथ वो? हम भी बस मानवता भलाई के कार्यों में काम करते हैं और लोगों के साथ गरीबों की हेल्प करते हैं, जैसे पिताजी ने हमें सिखाया हम वैसे ही चलते हैं। जो भी दूसरी तरफ गुरुजी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है मेरी सोच के मुताबिक, क्योंकि हम तो मस्ताना जी के टाइम से, जो हमारा टाइम जहाँ से जुड़ा हुआ है, अब तक तो हमें यहाँ आकर लगा नहीं भी जहाँ कोई एलिगेशन जो लगाए गए वो सही होंगे। जो भी टीवी में मीडिया में प्रचार किया जा रहा था मेरे अकॉर्डिंग तो शायद वो गलत है। ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर खूब आते हैं और यहाँ आकर वो जो डॉक्टर ना खुद टॉयलेट साफ करने तक की सेवा भी करते हैं। फिर इस तरीके से क्यों बदनाम किया जा रहा है एक संस्था को, यहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को क्यों तार तार किया जा रहा है? बस अब लोग डेरे की तरक्की को देख कर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है आज सोसाइटी को गुरुजी की ज़रूरत है? हाँ, आज सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम कितना बढ़ गया, जैसे गुरुजी शिक्षा देते थे, मानवता के कार्य करते थे, तो लोगों ने अच्छा बोलना, अच्छा चलना, अच्छा करैक्टर अपनाया था। क्या मानवता के कार्य किए हैं गुरुजी? गुरुजी ने बहुत मानवता के कार्य किए, ब्लड को लेकर देख लो, फौजी भाइयों के लिए यहाँ से कितना ब्लड डोनेट होता है, शायद किसी संस्था से भी होता होगा। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हम तो सरकार से यही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द रिहा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम हरिम सिंह जींसा को। ये वेल एजुकेटेड लड़कियों का मानना है जो आज भी आश्रम में आ रही हैं। हम सीधी कवरेज आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज भी वेल एजुकेटेड लड़कियां आश्रम में आती हैं और बता रही हैं कि झूठा बदनाम किया गया, ऐसा नहीं है, माहौल इन्होंने बचपन से देखा है जैसा मीडिया में प्रचार किया गया। फिर आखिर क्यों एक संत को, करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया, ये जनता सवाल कर रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। आप लोग अपनी राय फैक्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।